आप एक आयुर्वेदाचार्य हैं जो पिछले 4 दशकों से पतंजलि में सेवा दे रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे गुठलियों के फायदे पर कि क्या हमें गुठलियों को ऐसे ही फेंक देना चाहिए या फिर हमारे शरीर के लिए, हमारे हर एक अंग के लिए वो बेहद ही कारगर है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे कि आम जब खाते हैं तो उसे गुठलियों को फेंकना नहीं चाहिए, उसे एक जगह इकट्ठा करिए और उस पर कुछ पानी जब पड़ेगा कुछ दिन के बाद से उसका कवच जब सड़ने लगेगा तो उसको तोड़ करके कवच से बाहर निकाल लीजिए। मतलब गुठली जो है बहुत उपयोगी होता है, इसीलिए कहा गया है कि आम के आम गुठलियों के दाम। आम तो खाइए और गुठलियों का दाम भी वसूल हो जाएगा, क्योंकि गुठलियों में वह टैनिन एसिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है, जिसके वजह से जिसको भूख नहीं लगती है, रुचि नहीं रहता है भोजन करने में, उसके लिए वो उपयोगी होता है। उसको तोड़ करके खिलाइए, पाउडर बना लीजिए, पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह शाम गुनगुना पानी से दीजिए, तो ऐसे रोगी के लिए उपयोगी होगा जिनका पेट ठीक नहीं रहता है, बार बार पतला दस्त हो या रक्त युक्त मल का त्याग हो। ऐसी महिलाओं के लिए भी उपयोगी है जिनको बार बार MC के माध्यम से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या श्वेत स्राव होता है जिसको लिकोरिया कहते हैं, श्वेत प्रदर कहते हैं आयुर्वेद में, या रक्त प्रदर होता है, दोनों में उपयोगी होता है। तो इस्तेमाल का, गुरु जी इस्तेमाल का आपने जो बताया, हाँ। जैसे आम हमने खा लिया, हाँ। गुठलियां हमारे पास बच गई जी, तो उसको हमें जमा करना है जी, और उसको हमें कहीं रख देना है जी, और फिर हर एक दिन उस पर पानी छिड़कना है, हाँ। ताकि गुठलियों की जो ऊपर की परतें हैं, हाँ, हाँ। वो सड़ने लगे। फिर ऊपर का जो परत होगा उसको हटा देंगे। अच्छा, ऊपर के परतों को हटा देना, हाँ, वो मोटा छिलका जो होता है, हाँ, तो उसको, हाँ। हटा देंगे। अच्छा। उसके नीचे जो है हल्का सा जो है काले रंग का बीज निकलता है। अच्छा, उस बीज को देख लेंगे हम कि उसमें कई वो बीज ऐसे होते हैं जो सड़ जाते हैं बिल्कुल जी, तो जो बिल्कुल सड़े हुए दिखते हैं उसको फेंक देना चाहिए, बाकी जो सड़े नहीं हो केवल थोड़े से हल्के काले हो जाए उनको निकाल लेना चाहिए, निकाल करके उसका पाउडर बनाकर सुखा के फिर हमें उसका चूर्ण बनाना है। चूर्ण तो सूखा रहता है, हाँ, हाँ। उसको पाउडर बना करके और एक बार धूप में रख लीजिए, सूख जाएगा और अस्थाई। एक दिन में हम कितने ग्राम पाउडर का सेवन कर सकते हैं? 3 से 5 ग्राम सुबह शाम दोनों मिलाकर, नहीं एक समय, 3 ग्राम से 5 ग्राम तक, हाँ, सुबह या शाम दोनों समय दीजिए, यानी कि दिन भर में हम 10 ग्राम ले सकते, हाँ, 10 ग्राम ले सकते पानी के साथ, पानी गुनगुना पानी साथ। उसके साथ किसी और भी चीज का मिश्रण होगा या सिर्फ वो चूर्ण ही काफी है जो कि आम के गुठली का बना होता है? अकेले काफी है, हाँ, रुचि के लिए काफी। हम बताया कि उपयोगी तो बता दिए, जो पेट के लिए महिलाओं के लिए उपयोगी है, और इतना ही नहीं वो पोषण का भी काम करता है जी। कषाय रस होने से पित्त का शमन करता है, तो पित्त से संबंधित जितने भी बीमारी होंगे उसमें ये विशेष उपयोगी हो। चलिए, तो ये जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उम्मीद यही है कि ये जानकारी जो है लोगों को पसंद आएगी और वो इसका लाभ ले पाएंगे अपने जीवन में इसको उपयोग मिलाकर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम ओम नारायण।